हेलो एंड वेलकम इन इंडियन एग्रीकोस्ट चैनल। मैं डॉक्टर बबली आज आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं लैटिट्यूड लोंगिट्यूड एंड एल्टीट्यूड के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये तीनों जो फैक्टर हैं, कंपोनेंट्स हैं, लैटिट्यूड लोंगिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, ये क्लाइमेट और वेदर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस हैं जो क्रिएट की गई हैं लोकेशन को देखने के लिए किसकी, जैसे समुन्दर में शिप जाती थी तो उनकी किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कौन सी जगह पे अब वो लोकेटेड हैं, किस एरिया में प्रेजेंट हैं, तो उन सभी को देखने के लिए लेटिट्यूड और लोंजिट्यूड को क्रिएट किया गया। और इसे हम मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस, एरियाज, एंगल्स एंड पोजीशंस। बोथ लैटिट्यूड एंड लोंगिट्यूड फॉर्म ए स्फेरिकल ग्रिड अराउंड द अर्थ। लोकेशंस आर स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द मेजरमेंट ऑफ डिग्रीज ऑन ए ग्लोब। हम लैटिट्यूड लोंगिट्यूड को डिग्रीज की फॉर्म में मेजर करते हैं और हम इनको बोलते हैं जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है, ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है। ये जो रेड रेड लाइन है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये क्या है, लैटिट्यूड मींस लैटिट्यूड की एक लाइन है जो लेटी हुई है, ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन है जो वेस्ट से कहाँ पे है ईस्ट की साइड जाती है, ये क्या है, इक्वेटर है। और इक्वेटर से ही हम नॉर्थ की जो डिग्रीज है वो मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, और इक्वेटर से ही साउथ का डिस्टेंस, जो साउथ पोल है, हेमिस्फीयर है, उसका हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करते हैं कि ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं या नहीं है, तो ये जितनी भी लाइन है, जैसे ये इक्वेटर है, ये फिर दूसरी लाइन है, तो ये 1-1 डिग्री से लेके यहाँ इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल की साइड का डिस्टेंस मेजर करेंगे और साउथ की साइड जो पोल है उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। और जब डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो ये जितनी भी लाइनें हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है, ठीक है ना, क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। बट बोला गया है कि नॉट इक्वल। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि जो पोल पे यहाँ पे लाइन बनी है, ये लाइन बनी है और एक इक्वेटर की लाइन है, इन सभी की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। सबसे ज्यादा जो लेंथ है वो है इक्वेटर की, सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है, इक्वेटर की। और फिर बोला गया है कि लैटिट्यूड के लिए हम मेजर किस पॉइंट को लेते हैं, इक्वेटर को। और इक्वेटर जो पॉइंट है यहाँ पे लैटिट्यूड 0 होता है। 0 लैटिट्यूड से जब हम नॉर्थ पोल की साइड जाते हैं तो नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री होता है, और ऐसे ही इक्वेटर से साउथ पोल की साइड जाते हैं तो साउथ पोल पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम बात करें कि इसको हम मेजर करते हैं 0 से 90 डिग्री, फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ पोल 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री ये हो गया नॉर्थ वाला साइड, प्लस 90 डिग्री हो गया साउथ वाला साइड, प्लस एक हो गया इक्वेटर का जो लेटिट्यूड है, तो टोटल कितना होगा, 181 लाइंस। मींस ये कितनी होंगी, 90 ऊपर की साइड लाइन होंगी, एक इक्वेटर की लाइन होगी और 90 लाइंस होंगी साउथ पोल की साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री तक ये जाता है, ऐसे करके 181 लाइंस बनती हैं। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में 181 का ऑप्शन नहीं होता है, वहां पे 179 का कई बार ऑप्शन दे देते हैं। क्योंकि ये 179 हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ पोल है
और या फिर साउथ पोल है, वो कोई एक लाइन नहीं है, वो क्या है, बिंदु है, पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से हम उनको लाइंस के अंदर कंसीडर कई बार नहीं करते हैं। तो आप 181 से -2 कर दो तो 179 लाइंस। अगर आपको ऑप्शन में 181 ना दिखाई दे तो 179 पे आप टिक मार्क करेंगे। फिर जो 1 डिग्री का जो डिस्टेंस है, 0 डिग्री से लेके 1 डिग्री जो डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पे 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री है और यहाँ पे 1 डिग्री है, तो ये जो डिस्टेंस है वो होगा किलोमीटर के अंदर 111 किलोमीटर। कितना होगा? 111 किलोमीटर। और फिर जो इक्वेटर है, इक्वेटर में मेन बात क्या है कि जो जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्ट है, ठीक है ना। अर्थ हमारी क्या है? टिल्ट है, और उसकी वजह से जो क्लाइमेट है, वेदर है, या फिर मॉनसून है, उनमें चेंजेस आते रहते हैं। और जो हमारा सन रेज है वो वर्टिकली किसके ऊपर गिरती है? वो इक्वेटर के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। कहाँ पे? इक्वेटर पे। और इक्वेटर पे ही सबसे कम ग्रेविटी बनती है, ठीक है। और जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन है वो भी इक्वेटर की वजह से बनते हैं। जो यहाँ नियर बाय इक्वेटर के होंगे, जो रीजन होगा वो ट्रॉपिकल जोन होंगे, लेकिन जो नियर बाय पोल्स होंगे वो क्या होंगे? टेम्परेट जोन्स। ओके, अब हम बात करेंगे लोंजिट्यूड की। लोंजिट्यूड में क्या होता है? ये लॉन्ग लॉन्ग लाइंस होती हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल या साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये डिस्टेंस मेजर करती हैं। और यहाँ पे जो लोंजिट्यूड है, ग्रीनविच एक यूरोप के अंदर एक प्लेस है जहाँ पे लोंजिट्यूड 0 है, और वहां से ईस्ट टू वेस्ट हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। कहाँ? ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और ये जो लाइनें होती हैं उसको हम जो जहाँ पे लोंजिट्यूड 0 है उसको प्राइम मेरिडियन लाइन भी हम बोलते हैं, और इनको हम डिग्री में मेजर करते हैं। जब हम ईस्ट की साइड जाएंगे, जब हम ये प्राइम मेरिडियन लाइन है इससे ईस्ट की साइड जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, +180 ईस्ट की साइड, और अगर हम वेस्ट की साइड जाते हैं तो ये -180 डिग्री होता है। इसमें क्या है कि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट की उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो टोटल लाइंस होंगी वो कितनी होंगी? 360 डिग्री लाइंस, और 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 लाइंस, मींस 180 यहाँ पे हो गया ईस्ट की साइड और 180 हो गया वेस्ट की साइड, तो टोटल कितना होगा? 360 लाइंस। इसमें जो प्राइम मेरिडियन की लाइन है वो 360 लाइंस के अंदर ही इंक्लूड की गई है। लेकिन इसके अंदर जैसे ही हमने लेटिट्यूड के अंदर पढ़ा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर, लेकिन इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो 111.3 किलोमीटर हम डिस्टेंस इतना मानते हैं 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो ये सभी लाइन्स हैं ये इक्वल हैं। इक्वल कैसे हैं? क्योंकि जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है वो एक पॉइंट से रेज होती हैं, तो इनकी ये सभी लाइनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, लेकिन ये किसी के पैरेलल नहीं है। इनकी सबसे जो ज्यादा चौड़ाई है वो कहाँ पे है? ये इक्वेटर की लाइन है तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा चौड़ाई है इनकी, ठीक है, लेकिन इनकी लेंथ सभी की क्या है? सिमिलर है, तो इसकी वजह से ये पैरेलल नहीं है। और इनके अंदर अगर हम माने जैसे डिग्री को फर्दर, क्योंकि जब हम 0 से 1 डिग्री के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है तो हम उसको किस से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, तो डिग्री को फर्दर डिवाइड किया है, और उसको फर्दर डिवाइड किया तो उसको मिनट के अंदर डिवाइड किया है। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल, और जो 1 नॉटिकल माइल मींस जो नॉटिकल माइल यूनिट है वो मेनली कहाँ पे यूज होती है? जो वाटर के अंदर डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, वहां पे जब हम मेजर करते हैं तो वहां पे हम यूनिट यूज करते हैं नॉटिकल माइल। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 नॉटिकल माइल।
अब हम बात करने वाले हैं एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या है कि हाइट फ्रॉम अबो सी लेवल, अबो सी लेवल, यहाँ पे मान लीजिए ये सी लेवल है और यहाँ से जैसे हाइट इंक्रीज होती है, यहाँ इंक्रीज होगी और यहाँ पे जो हमारा हिमालयन रीजन है ये आ गया। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, मतलब वर्टिकली जो हम मेजरमेंट करते हैं फ्रॉम सी लेवल टू अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। और सी लेवल पे जो एल्टीट्यूड होता है वो कितना होता है, जीरो। और जैसे जैसे ऊपर की साइड इंक्रीज, हाइट इंक्रीज होगी तो एल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो एयर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, डाउन होता जाएगा। एयर का प्रेशर डाउन होता जाएगा। मीन्स क्या, जो एट सी लेवल जो एयर का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है और वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 101,013.2 मिलीबार वहां का एयर प्रेशर हो सकता है, जो सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो एयर का प्रेशर डाउन आता जाएगा। और हर एक एवरी एवरी 6 किलोमीटर जैसे ही हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो एयर का प्रेशर डिक्रीज होगा 1/2। और जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है। और ये जो तीनों फैक्टर हैं ये क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लाइमेट को, वेदर को कंट्रोल करते हैं। कैसे, अगर हम 1 डिग्री किसकी साइड, लेटिट्यूड, लेटिट्यूड मीन्स जो लेटा हुआ था वहां से जीरो लेवल, क्योंकि इक्वेटर से हम मेजर करेंगे तो 1 डिग्री यहाँ अपर की साइड एंड लोअर साइड भी आ सकते हैं, और 5 डिग्री लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड मतलब हम कहाँ से ईस्ट या वेस्ट में हम मेजर करेंगे, एंड 12 मीटर ऑफ एल्टीट्यूड में, मतलब ये क्या है, नॉर्थवार्ड, नॉर्थ की साइड में ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये होगा वेस्ट। तो ये क्या है, नॉर्थ वार्ड साइड ऊपर की साइड ये 12 किलोमीटर जब ऊपर जाएगा और 1 डिग्री जब चेंज होता है और 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड में आता है तो क्या होगा, जो 4 डेज हैं वो इतना डिफरेंस आ जाता है किसके अंदर, जो हम प्लांटिंग करते हैं, प्लांटिंग से लेके जो हार्वेस्टिंग के बीच में जितनी भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो 4 दिन लेट हो जाते हैं। ठीक है, 4 डेज का डिफरेंस आ जाता है इसकी वजह से। तो इट मीन्स क्या है, लेटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड एंड एल्टीट्यूड का क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।